क्या पैसे ले रहे हो भैया? ₹30 लगते हैं यार। ₹30 तो लगते हैं, 50 को ले रहे हो? ₹20 देने भैया, हैं 50 के देने। क्या करो भैया? ₹50 लगते हैं भैया। भाई धुआं पर्ची बना लिया। अरे हेलो, ₹20 देने तो ना। आओ लो। कर दो यार। ₹30 लगते हैं। करा लो फिर तो, करा दो चले। अच्छा, कौन सा कागज दिया? देखा ना, कागज दिखाने लगे। अरे सुबह भी आए थे दैनिक जागरण वाले, वो देखो तो इन्होंने धुएं का साइलेंस में पाइप तो लगाया नहीं, धुआं तो चेक किया नहीं, पॉल्यूशन कर दिया उन्होंने ऐसे। अच्छा, धुआं भी चेक करना? हाँ, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्यों भाई, क्यों? तो तुमने इनकी गाड़ी का पॉल्यूशन जो किया है, इस वक्त पाइप तो तुमने लगाया नहीं, पॉल्यूशन लगाते हैं, ऐसी बात होती है? कब लगाते हैं? चेकिंग तो होते लगाते हैं। अच्छा, कौन सा कागज दिया? दिखाना कागज, दिखाना है। ये बताइए, यहाँ जो ये सचल प्रदूषण जांच केंद्र, यहाँ पे ये कैब लगी है, वैन है, तो ये क्या यहाँ पर प्रॉपर खड़ी रहती है? प्रॉपर खड़ी रहती है, हमें ऐसे इसे कम से कम यहाँ पर 1.5 साल से लगभग यहीं पर देख के चल रहा हूँ। ये यही पढ़े आता हूँ मैं यहाँ पर, RTO में खड़ी रहती है 1.5 साल से। 1.5 साल से, जबकि इसकी यहाँ पर अनुमति नहीं, अनुमति है ही नहीं इसकी। जो है कहाँ की अनुमति होती है? सिटी में कहीं भी लगा सकते हैं आप इसे, चले ना, ये बाहर के लिए, यहाँ के लिए नहीं, यहाँ के लिए RTO लिए नहीं। लापरवाही किसकी है? सॉरी, इसमें लापरवाही किसकी है? इन्हीं लोगों की और अंदर से लोगों की है, जो यहाँ पर लगे हुए, यहाँ पे जो यहाँ लगवा रहे हैं, और चौकी पर जो आदमी देखे चल रहे हैं। परमिशन दी है ना RTO साहब ने? मुझे क्या पता थी कि नहीं थी, तभी तो कह रहे थे अभी परमिशन दी है। क्यों, पॉल्यूशन तो तुमने किया रहा? नहीं तो सर्टिफिकेट तो तुमने दिया, अभी बना करके क्यों? वीडियो तुम्हारी दिया नहीं दिया आपने? अरे मैंने नहीं दिया, बनाते रहो, फालतू मेरे ऊपर क्यों ले रहे हो? अनिल कुमार सिंह, ARTO प्रशासन। सिंह साहब ये बताइए, बाहर RTO कैंपस के जस्ट बाहर सर एक सचल वाहन खड़ा रहता है,
प्रॉपर साल साल डेढ़ साल से वहीं खड़ा हुआ है, क्या साल ऐसा आरटीओ ऑफिस ने उसे अनुमति दी है? इन प्रदूषण जांच केंद्रों को जो अनुमति मिलती है ये उप परिवहन आयुक्त के यहाँ से मिलती है। जहां तक मुझे पता है कि सचल वाहन को अनुमति मिली है तो वो शहर में विभिन्न स्थानों पर जा जाके लोगों के गाड़ियों के प्रदूषण जांच के लिए मिली हुई है। चूंकि आरटीओ ऑफिस में फिटनेस का कार्य होता है इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये ज्यादा समय दिन का आरटीओ ऑफिस के आसपास व्यतीत करते हैं, जो उचित नहीं है क्योंकि आरटीओ ऑफिस के बाहर पहले से ही चार अधिकृत केंद्र हैं, एक या दो केंद्रों की अभी पूर्वानुमति के लिए लंबित हैं। ऐसा देखा गया सर, जब वो धुआं जांच करते हैं तो सर बिना उसमें पाइप लगाए हुए उनको सर्टिफिकेट इश्यू कर देते हैं, क्या सर पाइप लगाना आवश्यक है या फिर बिना उसके ही काम चल जाता है? यूरो 3 या यूरो 4 नाम के वाहन में जांच प्रक्रिया जटिल है और पर्याप्त समय लगता है, लेकिन सर वो बिना भी उसकी जांच किए हुए सीधा एक से दो मिनट में ही सर वो इश्यू कर देते हैं। ये उचित नहीं है, मैं संभागीय निरीक्षक प्राविधिक को कहूंगा कि जरा इनकी सख्त जांच की जाए और मैं एआरटीओ टेक्निकल उप परिवहन आयुक्त कार्यालय से भी कहूंगा कि इनको थोड़ा और चेक किया जाए। ताजनबी आगरा में आरटीओ की शह पर प्रदूषण जांच केंद्रों द्वारा बड़ा घोटाला किया जा रहा है। यहाँ बिना जांच के लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और उनसे आवश्यकता से अधिक पैसे ले लिए जाते हैं। पूरा मामला हमारे कैमरे में कैद होने के बाद आरटीओ प्रशासन ने उचित जांच की बात कही है। आगरा से अविनाश जायसवाल की रिपोर्ट।